नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर हम सीमाओं का अतिक्रमण करने की दिशा में प्रार्थना युक्त बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो सीमाएं जो हमें बांधती हैं, सोच के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, और साथ ही साथ इन सीमाओं के कारण कई बार हम छटपटाते हैं। छटपटाहट के मूल में होता है अपने आप को न जानना, और अपने को जानने की दिशा में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के द्वारा जहाँ भगवान स्वयं अपना परिचय भी दे रहे हैं, और अधिक स्पष्टता उनका ध्यान करने के लिए हमारे लिए सुलभ हो, इस दिशा में अर्जुन जी के साथ उनका ये जो संवाद है उस पर ध्यान कर रहे हैं। प्रारंभ करेंगे ध्यान श्लोक के साथ, पर एक बात और निवेदन करते हुए कि कल जो पर्व आ रहा है उस संदर्भ में गणपति भगवान से जो प्रेरणा हमारे जीवन में आती है उसका संबंध भी उस संबंध से है जो हम इस शाश्वत के साथ में स्थापित करते हैं। इसीलिए हम सुनते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, तो भाव का सृजन ऐसा हो कि उनके साथ हम अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर पाए और उन्नत हो, इस दिशा में उत्सवों के साथ विशेष अनुराग का संबंध हमें हमारे आत्मोत्थान की दिशा में गतिमान बनाता है। तो गुरुवाणी यानी मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के गणेश तत्व पर वचन का कुछ अंश आज के कार्यक्रम के अंत में आप तक पहुंचाने का वादा करते हुए प्रारंभ करते हैं ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रसिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक हमें कहता है, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम् यदतोऽन्यथा। इस श्लोक एक बार फिर सुने, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। इसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है। जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं कि अध्यात्म शब्द का हम अर्थ क्या लेते हैं। तो ये बताते हैं संत की जो आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जिस ज्ञान के द्वारा जानी जाए उसका नाम अध्यात्म है। तो अब इसमें फिर ये शब्द आ गया, आत्मा क्या है? तो जो आत्मा नहीं है वो अनात्म हो गया, और इसके बारे में जो ज्ञान आता है जहां से, उसको अध्यात्म ज्ञान कहा है। और अध्यात्म ज्ञान होने से क्या हो जाता है कि जो तत्व ज्ञान का जो अर्थ है कि सार क्या है, तो सार तो वो है जो समग्र है, जो सर्वव्यापी है। ये जब जब जैसे जैसे स्पष्टता हो जाती है तो उसको तत्व ज्ञान का दर्शन कहा गया। और इसी तत्व ज्ञान के दर्शन को लेकर वेदांत दर्शन है, उपनिषद हैं, और श्रीमद् भगवद गीता भी जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हम तक खोल रही है तो उसमें तत्व क्या है। अब तत्व शब्द के प्रयोग का अलग अलग संदर्भों से अलग अलग संकेत आता है, पर एक जो तत्व की बात करते हैं तो हम पांचों तत्व कहते हैं, धरती जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि सब। तो जल को अपने साथ स्मरण में रखें, आगे इसका प्रयोग करेंगे एक बात को पकड़ने के लिए। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के विपरीत कि यानी सब कुछ परमात्मा है, उसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। तो हम लोग अज्ञान के साथ इतने जकड़े जाते हैं कि सबके भीतर क्या, अपने भीतर क्या, परमात्मा के दर्शन करने की संवेदनशीलता, शुद्धि और सजगता हमसे छूट जाती है। तो छूट जाती है तो फिर हम छटपटाते हैं। तो जानने योग्य जो परमात्मा है
उनके स्वरूप का वर्णन करने का आश्वासन जो भगवान ने दिया, क्योंकि जानते हुए भी हम नहीं जानते हैं, इसके पीछे एक कारण यह है कि वो तत्व है ही ऐसा विलक्षण जो कि इंद्रिय गोचर नहीं है, और हमारा जो उपकरण है वो तो इस देह के साथ जुड़े हुए हैं, जानने के उपकरण इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, मन के साथ जुड़े हैं, और जो मन से परे है तो उसको ये इंद्रियां, ये मन हमारे लिए कैसे जानकारी में लाएं, ये बात भी हमारे लिए यूं समझने में सहूलियत प्रदान कर दी कि भाई नहीं समझ में आया तो नहीं आया, क्योंकि हम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है तो क्वालिफिकेशन बढ़ाई कैसे जाए, उस दिशा में सत्संग का महत्व है, उस दिशा में साधना का महत्व है, और उस दिशा में ही हम जो कुछ अपने मन का निग्रह करते हैं, अपने विचारों को इधर उधर भटकने से रोक कर केंद्र सार की तरफ लाते हैं, वो बहुमूल्य हो जाता है। तो 12वां श्लोक जो है उसमें जैसे कि भगवान ने कहा जानने योगी परमात्मा के स्वरूप के वर्णन के बारे में, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। इसका अर्थ है जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा वो अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही है, न सत ही कहा जाता है, न असत ही। ये जो बात आई है ब्रह्म न सत्तना सदुच्यते, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि पहेली की तरह है हमारे लिए। कहते हैं कि जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, तो हमारी उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। भाई हम सोचते हैं कि हम सब दुख से परे जाना चाहते हैं, और ये जो परमानंद है वो किसको जानकर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यज्ञात्मा अमृतमश्नुते, दरअसल अमृतत्व की प्राप्ति जिसको प्राप्त करके हो जाती है वो क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो अनादि वाला है, यानी कि उसका कोई आदि अंत नहीं है। अब ये बात भी हम कल्पना करके देखें तो ऐसा कुछ पदार्थ हमारे सामने नहीं आता है ध्यान में एकदम, जो कि बना हुआ नहीं हो, जिसके पहले कुछ नहीं हो। ये रूपांतरण होने की प्रक्रिया हम प्रकृति में देखते रहते हैं, अपने शरीर में भी देख रहे हैं कैसा है, बीज डालते हैं, वृक्ष उग जाता है, फल उसमें से आते हैं, फिर बीज, फिर वृक्ष, एक चक्र चलता रहता है। तो इस बारे में बात करते हुए भगवान ने कहा कि वो परम ब्रह्म जो है, तो उसका नाम तो ब्रह्म है और ब्रह्म दिया, और ये भी बात है कि वो ब्रह्म योग की तरफ हमको ले जा रहे हैं। तो साथ में ये कहा कि न तो वो सत ही कहा जाता है और न असत ही, तो न सत है न असत है, क्योंकि वो इस इंद्रिय गोचर दृश्य जगत में बना हुआ नहीं, वो इस, जैसे पहले भी भगवान ने कहा है कि वो इस अपने अंश मात्र से सारी सृष्टि को धारण किए हुए हैं, वो इसमें है लेकिन नहीं है। तो हम जो जो अपनी छोटी समझ से उनको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं वो हमेशा उसमें कुछ न कुछ छूट ही जाने वाला है। ये आश्वासन इस श्लोक से मिल जाता है कि न तो वो सत है और न असत है, क्योंकि वो है भी और है नहीं भी, इससे भी परे है, क्योंकि है में और नहीं है में हमारी समझ जो हमारे अहंकार को लेकर या हमारी जो सीमित समझ को लेकर जहां तक जा सकती है वो वहां तक सीमित नहीं है, और उसको जानने के लिए भी उसका होने की आवश्यकता है। तो उसका होंगे कैसे, उस दिशा में संतों की वाणी हमारे लिए, हमारे मन को वो पोलापन देती है, वो शुद्धि देती है, वो कोरापन देती है, वो हमारापन देती है, कि हम उसकी शरणागति के लिए प्रफुल्लित भाव से प्रस्तुत होने की पात्रता को बढ़ा दें। तो बढ़ते हैं जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, और गणेश चतुर्थी से पूर्व ही गणपति तत्व पर ध्यान करते हुए जब आप गणेश चतुर्थीर्ष का पाठ करते हैं तब भी आपको ये स्पष्ट होता है कि जो गणपति तत्व है, जो गणपति का स्वरूप है, वो भी अनंत के ही संकेत के साथ में हम उनकी आराधना कर रहे हैं, पर उनसे जुड़ने के लिए वो जो एक मोदक हाथ में लिए हुए सबको लुभाने वाला प्रेम
बरसाने वाला जो विघ्न हरता है उसकी शरण में स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की वाणी के साथ चलते हैं। आइए। हमने ना कुछ हंसकर सीखे हैं, ना कुछ रोकर सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सीखे हैं किसी का होकर सीखे हैं। ये तत्व है, किसी का होकर सीखे हैं। ये गणधर्म हो, इसको हम गण कहते है ना। शिव के साथ जुड़ जाए, शिव के हो, शिवलोक के हो, तो वो शिवगण बनेगा। विष्णु के है, विष्णुलोक के हो, तो विष्णुगण बनेगा। माँ के हो, बाप के हो, आचार्य के हो, तो फिर सारे विश्व के बन सकते हो। नहीं तो यू विल बी लेड टू एग्रेशन, सेल्फ एग्रेशन। इसलिए आपको मानव गण बनना है। हम इनसे शिक्षा ले रहे हो, केवल कहानी सुन के चले जाना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। गण कैसे बनता है ये उसका जन्म जो है वो एक उज्ज्वल दृष्टांत है। चाहे शिवपुत्र क्यों न हो, गलत प्रयोग नहीं, गण बनना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे गण बने कि वो गणपति के योग्य हो गए थे। ये गणपति की विशेषता है। इनके अंदर सारे दिव्य गुण आ गए। शंकर के त्रिशूल का स्पर्श हुआ ना, कोई ऑर्डिनरी सर्जिकल ऑपरेशन नहीं। इसलिए वो इतने संपूर्ण गण हो गए, सारे गण धर्म उसमें आ गए। गणपति के मंत्र जानते हो ना, गणानंता गणपति गुम हवा में है, प्रिया नंत्वा प्रियपति गुम हवा में, निधि नंत्वा निधिपति गुम, ये सारा हो तो वो गणपति बन सकता है। इसलिए गण बनने के साथ वो प्रियपति निधिपति वसु बन गए थे। तो गण बनना है तो निधिपति की आराधना करते हुए मानव धर्म मानव गण बनने की दिशा में जो सनातन शास्त्र हैं वो प्रचुर संपदा हमारे लिए संजोए हुए हैं। पर जैसे कि खेती करने के बाद ही धरती अपनी अन्न अपनी जो संपदा है उसको प्रकट करती है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इन शास्त्रों के साथ समर्पण से साधना से जुड़ते हुए श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा इनके भीतर का जो परमानंद का प्रसाद है जो कभी मैला नहीं होता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, उस तक जाना हमें चाहिए। ऐसी प्रेरणा गणपति भगवान से आराधना करते हुए लेने के साथ साथ सब गुरु जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण कृपा के आलोक में आपके साथ नहाते हुए सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।